ये क्वेश्चन उपयोग लेसन 9 सीआरटी का लेसन 9 है हम इसी के क्वेश्चन उपयोग ठीक है। और ये जो है अर्थात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। इसके पहले सबसे पहले थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन जान लेते हैं ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। मतलब जो टर्म होता है वो क्या होता है, ये जो है हमेशा क्या होता है नीति के क्वेश्चन उपयोग है, मतलब ये है ये जो हमेशा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये जब भी एप्लीकेबल होता है तो किसके लिए होता है राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है। और जिस तरह से कोई भी इसमें का क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो हम लोग का जो फिगर है, जो फिगर्स होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसका फिगर सही सही बन गया ये क्वेश्चन एकदम 100% सही बन ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा ठीक है। और ये क्या होता है दृष्टि रेखा ठीक है, ये दृष्टि रेखा ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, और ये क्या कहलाएगा लंबवत रेखा, ये हो जाएगा लंबवत रेखा ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये क्या कर रहा है कि नीचे से ऊपर की वस्तु को देख रहा है, ऊपर की वस्तु को देख रहा है, जो वस्तु और उसकी आंख के बीच का जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं दृष्टि रेखा ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा ठीक है। और ये जो होता है उसके वो खड़ा होता है ठीक है, जिस सतह पे वो खड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, जब वस्तु जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के जो एंगल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या कहलाता है उन्नयन। इसी तरह अगर हम लोग कोई व्यक्ति अगर ऊपर से देख रहा है ये क्या हो जाएगा दृष्टि रेखा यही होगा ठीक है, दृष्टि रेखा, और ये हो जाएगा लंबवत रेखा, लंबवत रेखा ठीक है। और इसके साथ ये वाला जो क्षैतिज होगा इसको हम क्या बोलेंगे क्षैतिज रेखा ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। और ये वाला एंगल जो होगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का इसको हम लोग बोलते हैं अनुमान कोण ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं अनुमान कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं अनुमान कोण। जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं अनुमान कोण। डिफरेंशिएशन एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। यही दो क्या है इंपॉर्टेंट है ठीक है, यही दो जो है इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से अगर जब कोई वस्तु नीचे से, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है इसके साथ जिस पे वो खड़ा है अर्थात वो जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा और इसके बीच की जो एंगल है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो एंगल है वह कहलाएगा उन्नयन कोण ठीक है। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है इसे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं अवनमन कोण ठीक है। वैसे हम लोग सिंपल भाषा में इसको क्या बोलते हैं कोण ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं लंब, मतलब ये सिंपल बात है ठीक है। और ये भी याद रखिए कि लोग पढ़े हुए हैं कि दो समानांतर रेखा अगर तीसरी रेखा कट करती है तो ये क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अर्थात एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अर्थात एकांतर अंतर कोण क्या होता है बराबर होता है। याद रखिएगा ये वाला एंगल जो थीटा है ये भी एंगल क्या होगा हमेशा थीटा ही, अगर ये एंगल थीटा है ये एंगल भी क्या होगा हमेशा थीटा ही ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन कर लो उसके बाद। अगला क्वेश्चन देखिए इसकी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया हो 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई क्या है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा, सबसे पहले हम लोग याद रखते हैं सर्कस का जो कलाकार है तो 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ा हुआ ऊंचा है खंभे से, खंभा पहले हमेशा क्या होगा लंबो होगा, खंभा कभी टेढ़ा नहीं होता है, खंभा जब भी होगा वो क्या होगा लंबो होगा। भूमि का कोई एक बिंदु है तो भूमि या बिंदु क्योंकि खंभा भी भूमि पे ही गड़ा जाता है, ऐसा नहीं छत पे गड़ा हुआ है। ठीक है, ये बोल भी रहा है यहाँ पे क्या होगा भूमि पे गड़ा। अब भूमि के एक बिंदु में जाते हैं उसकी जिसके नाम गड़ा है वही भूमि, और यहाँ से क्या किया गया है कि ये एक डोरी है जो तनी हुई है, ऐसा माना गया है कि ढीला नहीं है ये डोरी, तनी हुई है शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी का बनाया गया कोण जो है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है, ये करना है। ठीक है, और इसमें सर्कस का दूरी कितनी लंबी है 20 मीटर, दूरी कितनी लंबी है तो 20 मीटर लंबी दूरी। अब हम लोग पता है ऊंचाई निकालना है ये क्या है, अगर हम लोग अपनी भाषा में मिति की भाषा में देखें इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण कहते हैं और इसको क्या कहते हैं लंब कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पता करेंगे कि लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें, पहले ये ए बी और सी, ए बी और सी इसमें देते हैं। अब हम पता करते हैं कि लंब अगर मान लेते हैं ऊंचाई, ऊंचाई एच जो है क्या बोलेंगे बराबर ए बी। ठीक है, मतलब ऊंचाई ए बी जो है वो कितना होगा एच होगा। ठीक है, कर्ण जो है अर्थात दूरी की लंबाई, डोरी की लंबाई जो है वो कितना है 20 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं हमको इसमें और इसमें रिलेशन पता करना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन है जो क्या करता है इन दोनों में रिलेशन दिखाता है, कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन है जो इन दोनों में क्या दिखाता है रिलेशन दिखाता है। आपको याद होगा कर्ण और लंब का रिलेशन जो है या तो साइन थीटा में मिलेगा या कॉस थीटा में मिलेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटा में क्या होता है कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, ए बी बटा में क्या होगा ए बी बटा में कर्ण क्या होगा ए सी, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और ए बी का मान कितना है एच और ए सी का मान कितना है बी सी। हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं या नीचे से नीचे 1/2 वो तक हमें बी सी अर्थात एच बराबर कितना है 10 मीटर, अर्थात खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर, खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर। ठीक है, खंभे की जो ऊंचाई कितनी है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग इसमें सबसे पहले यही पता करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है और जो छोड़ दिया है उसके बीच का रिलेशन क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी अगर रिलेशन बेसिक रिलेशन से काम चल जाएगा कोई भी रिलेशन उस रिलेशन को हम क्या कर लेते हैं ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको फिर से बनाना चाहें तो लोग जानते हैं कि 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, ट्रिक देखिए ट्रिक अगर आप लाइक करें 30 डिग्री का मान हम लोगों को मालूम है कि एक होता है और क्या होता है 1/√3, अर्थात ये क्या होता है पी अपॉन में बी, तो बी जो है √3 और ये क्या है एक, ये कितना होता है 2 होता है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये क्या होता है 2। अब हम लोग जानते हैं कि जो है माना गया मान, ये कौन सा मान है माना गया मान, अर्थात 2 जो है वो ओरिजिनल ये माना गया मान और ये ओरिजिनल, क्या मतलब कि 2 जो है किसके बराबर है 20 के, तो 1 जो है वो किसके बराबर होगा 10 के, तो ये पूछ रहा है हमारे कितना है 1 अर्थात 1 किसके बराबर है 10 के। ठीक है, ट्रिक से हम लोग बनाना नहीं है, ट्रिक से मल्टीपल क्वेश्चन को बनाएंगे।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन को 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक बार होगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही वृद्धि का कोण बनाता है। पेड़ के पाप बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्यादा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है। आंधी आने से क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये एक पेड़ है और यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये वाला पोर्शन टूट कर कहाँ से आता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो टूट कर कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। मान कि ए है, ये बी है, सी है, जबकि यहाँ पे याद रखे जो पेड़ की टोटल लंबाई, पेड़ की संपूर्ण लंबाई होगी ए बी प्लस ए सी, पेड़ की संपूर्ण लंबाई होगी ए बी प्लस ए, और टूट कर ये क्या होता है, ये सबसे डिग्री का कोण बन जाता है। जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री, ठीक है। और पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब होता है कि पेड़ का जो जड़ है वहां से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का जो शिखर ये जमीन को छूता है वो कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई है, अब देखते हैं इसे, ये क्या है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हम लोग जानते हैं, ये 30 डिग्री है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, ये वाला ज्ञात करना है और ये वाला ज्ञात, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई जो है उसमें ये भी है और ये भी है, उसी का टूटा हुआ ये भाग है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र, इन दोनों में रिलेशन जो है वो क्या है, ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार का रिलेशन क्या होगा, टेन, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 35 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, और 35 डिग्री का मान 1/√3, ए बी का मान कितना है, ए बी, और बी सी का मान कितना है, 8, अर्थात ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3, ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3। पुनः करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या है, कर्ण और आधार का रिलेशन किसमें आ जाएगा, कॉस थीटा में, तो हम देख लेते हैं कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, ठीक है, जिसको हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, लाल बटा में ये हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाता है cos थीटा, और ये हो जाता है tan थीटा, तो आधार बटा में कर्ण, यहाँ पे क्या होगा, आधार, आधार क्या होता है, जिस पे वो खींचा होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार, जो सबसे बड़ी खींचा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण। ये आधार क्या है, 8, अर्थात BC जो कोण है, कर्ण क्या है AC, और cos थीटा का मान क्या होता है √3/2, और BC का मान कितना है, BC का मान है 8, और AC का मान कितना है नहीं मालूम, ठीक है, एसी का मान नहीं मालूम, एसी हम लोग यहां से निकाल लेंगे, एसी बराबर कितना होगा, तो एसी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा √3 एसी बराबर 8/16, √3 एसी बराबर 8/16, एसी बराबर हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा 16/√3। अब हमको पूछा है पेड़ की संपूर्ण लंबाई, पेड़ की लंबाई हमको मालूम है, टोटल पेड़ की लंबाई कितनी है, पेड़ की लंबाई कितनी है, तो ए बी प्लस ए सी, और ए बी प्लस ए सी अगर करेंगे तो ए बी कितना है, 8/√3, और ए सी कितनी है, 16/√3, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3, टोटल ये क्या हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24/√3, और 24/√3 को हम लोग कट करें तो ये हो जाएगा 8/3 24, 8 √3 √3
अंडर रूट थ्री डब्ल्यू रूट थ्री कट जाएगा और फाइनली आंसर हो जाएगा एट अंडर रूट थ्री। तो पूरे संपूर्ण पेड़ की लंबाई जो है वो कितनी है, एट अंडर रूट थ्री। ठीक है, अगर ट्रिक से देखना चाहेंगे तो उसी भी हम लोग देख सकते हैं। ट्रिक से अगर देखना चाहे तो देख लीजिए, ट्रिक से देखना चाहे तो उसको मालूम है कि अगर अंडर रूट थ्री है तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई अंडर रूट थ्री होता है, अर्थात ये अंडर रूट थ्री होता है, ये वन होता है, जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, दो होता है, क्योंकि दो आ जाएगा। हमको जानते हैं कि अंडर रूट थ्री का मान निकालना है, इसका और इसका अर्थात दो और एक तीन का मान निकालना है, और यहाँ पे दिया हुआ अंडर रूट थ्री का मान, अंडर रूट थ्री जो है किसके बराबर है, एट के बराबर है, एक जो है किसके बराबर है, एट बाई अंडर रूट थ्री के बराबर है, तो दो और एक कितना है तीन, तीन किसके बराबर है, एट बाई अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई तीन, तो अब तीन से करेंगे कितने बार हो जाएगा, अंडर रूट थ्री बार होगा, संपूर्ण लंबाई जो है एट अंडर रूट थ्री। अगर ये मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाए तो ऐसे याद रखिएगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन 2018 में क्या हुआ था, मल्टीपल में भी आया है, इसलिए हम बता रहे हैं मल्टीपल के लिए। ठीक है, मल्टीपल के लिए भी सॉफ्टवेयर के रूप में कैसे, ठीक है, थैंक्स। तो इसको देखिए बढ़िया से, ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे या व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए पढ़ लीजिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण कर चुका हो, क्योंकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक भार की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ठेकेदार दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, और कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी बी माना 30 और डी क्यू आर बना। ठीक है, और इसके बाद इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक था, अर्थात ये जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर और एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना है 60 डिग्री लगाना चाहिए। अब इस प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या, फिसलन पट्टी अर्थात इसमें जो फिसलने वाला है इसकी लंबाई पूछ रहा है, प्रत्येक में की लंबाई क्या, अर्थात ए बी एसी की लंबाई और पी आर की लंबाई, तो बात वही है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लंब और कर्ण का रिलेशन देना है और इसकी जरूरत है कुछ, लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें होता है, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, और साइन 30 डिग्री का मान एक फटा में दू, और ए बी का मान कितना है 1.5 और ए सी का मान एसी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुना। ठीक है, एसी की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.5 गुना 3। अब हम देखें ये क्या हो गया, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखते हैं, इसमें क्या है सेम रिलेशन इसमें भी है, लंब और कर्ण का यहाँ पर भी लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लेते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस पी क्यू अपॉन में पी आर,
और पी क्यू अपन में पी आर और साइन साथ डिग्री का मान हमको मालूम है अंडर रूट थ्री बाई टू, मान याद रखिए जरूर अंडर रूट थ्री बाई टू। और पी क्यू का मान कितना है तीन, पी आर का मान नहीं पता। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए अंडर रूट थ्री से थ्री कट जाएगा, कैसे कटेगा क्योंकि हम लोग पी को लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री, अगर इसको अंडर रूट थ्री से कटाना है तो आराम से कब कटा सकते हैं ठीक है। तो उसी तरह अंडर रूट थ्री की वैल्यू कटेगा अंडर रूट थ्री वैल्यू में, और पी आर बराबर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर कितना आ जाएगा टू अंडर रूट थ्री, ये मेरा ख्याल जाएगा पी आर बराबर कितना हो जाएगा टू अंडर रूट थ्री, और ये मेरा हो जाएगा एंसर। आई बात समझ में ठीक है, तो बढ़िया से देखें ठीक है, और वीडियो को अगर एक बार वीडियो समझ में एक बार दो बार जरूर देखें, मेरा 100% समझ में आएगा ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसको पढ़िए और बुक हो सके तो साथ में रखे रहिए, बुक भी साथ में रखे रहिए ताकि उससे क्वेश्चन पढ़कर समझने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई दूरी पर है, भूमि की एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु, मीनार का पास बिंदु जो है उससे कितना दूरी है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की मीनार होगी की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन पर, शिखर का उन्नयन पर शिखर को देखने के लिए जो कोण है वो क्या है, उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु का मतलब उसका पैर समझ लीजिए ठीक है, पैर समझ लीजिए, और इससे जो है यहाँ की दूरी कितनी है 30 मीटर है, हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई क्या है, ये बी और ये सी। अब इसको ए बी सी हमको मालूम है कि ये ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, ये 30 मीटर जब डिस्टेंस कर लिया तो होता है 10 मीटर, तो आप ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, और ए बी कितना है 10 30 डिग्री 1/√3, ए बी कितना है मालूम नहीं है एच ठीक है, बी सी कितना है 30, अब हम लोग एच बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन में अंडर रूट थ्री, और इसको कटाए तो हमको हो जाएगा फॉर्मूले से 3 गुणे 10 बटा में अंडर रूट थ्री, और इसे ये कट जाएगा कितने बार में अंडर रूट थ्री बार में, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट थ्री, एच बराबर क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट थ्री ठीक है, समझ में आया होगा। और इसको ठीक से बनाते हैं तो हम जानते हैं ये कितना है अंडर रूट थ्री, ये कितना है 1, और ये कितना है 2, तो 1 का मान चाहिए, अंडर रूट थ्री जो है किसके बराबर 30 के बराबर, एक जो है इसके बराबर 30 बटा में अंडर रूट 3 से, और इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 3, और ये मेरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ट्रिक के साथ साथ सीखते रहिए ठीक है, ट्रिक के साथ साथ सीखते रहिए और बेसिक मेथड भी, क्वेश्चन 2 नंबर में हो जरूर बेसिक मेथड को अप्लाई कीजिए, अगर क्वेश्चन अगर 1 नंबर में हो तो ट्रिक से हम लोग जल्दी से आंसर याद कर सकते ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में लेंगे ठीक है।